मस्जिद के आलिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आलिम पर लगाया ब्रेन वॉश करने का आरोप, पीड़ित ने हिंदू धर्म में वापसी की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हिंदू युवक के धर्मांतरण के मामले में देखिए यहां पर आलिम पर यह आरोप लगाया है। पीड़ित ने मस्जिद के आलिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, ये शिकायत करवाई है। आलिम पर ब्रेन वॉश करने का यह आरोप लगाया है। पाँच महीने पहले मैं घर से परेशान होकर नागपुर गया था, वहाँ मुझे आलिम मिला और उसने मुझे मेरी परेशानी पूछने लगा, बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ। उसमें इस्लाम की तरह बातें बताने लगा, बोला इस्लाम में आ जाओ, आपको नमाज पढ़ने लग जाओ, दिल को सुकून मिलेगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं उसकी बातों में आ गया, नमाज पढ़ने शुरू करा, मैंने वहाँ कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। फिर महादेवगढ़ के कुछ मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे बुलाया और मेरा काउंसलिंग की, 3 दिन साथ रखा और अपना मेरा ब्रेन ठीक किया। ऐसे कई परिवार जिनको कि डर दिखाकर लालच के माध्यम से प्रभावित करके इस्लाम धर्म मुसलमान बना लिया गया है, तो इस प्रकार अगर कोई किसी के साथ घटना होती है, जब एक बच्चा आगे आता है तो हो सकता है कि अन्य परिवार भी आगे आए। यह प्रशासन को चाहिए कि शहर के अंदर इस प्रकार किन किन आलिमों ने और लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया है, इस मामले की पूरी जांच होना चाहिए और शहर में किन किन लोगों ने किन कारणों से इस्लाम कबूल किया, इस बात का शासन प्रशासन ने पता लगाना चाहिए, बहुत लंबी चेन मिलेगी। एक युवक है अक्षय कौर, उसने एक आवेदन दिया है कि एक मुस्लिम धार्मिक गुरु ने उसको बताया है लोग, और उसके द्वारा उसको मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए बोला है, और इस प्रकार से उसने अपना नाम बदला था, और जिस पूरे आवेदन को अभी जांच में लिया गया है, जैसे उसमें वैधानिक कार्रवाई जो भी बनती है वो जांच के उपरांत उसमें की जाएगी। इमरान खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। इमरान, देखिए आलिम की जो जिम्मेदारी होती है अहम होती है, उनके पद का अलग महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर युवक ने सीधा सीधा आरोप आलिम पर ब्रेन वॉश का लगाया है, क्या कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले जो है युवक द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोप लगे हैं आलिम पर कि जो एक पढ़ा लिखा युवक था जो बेरोजगारी से परेशान था, उसने जब ये आलिम के कांटेक्ट में आया तो आलिम ने जो है उसका ब्रेन वॉश किया, उसको इस्लाम धर्म की बातें सिखाई और उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया। लेकिन ये मामले की पूरी पोल जब खुली, जब युवक ने अपना फेसबुक पे नाम अक्षर से बदलकर फहीम रख लिया, जैसे ही इसने फेसबुक पर इसको लेकर पोस्ट डाली, उसके जो हिंदू दोस्त थे उन्होंने तुरंत जो है उससे संपर्क किया और उससे जो है उसको हिंदू धर्म के बारे में वापसी समझाई दी। बात समझने के बाद जो है उसने वापसी अपना हिंदू धर्म जो है वापसी कबूल किया और उसी के साथ ही उसने पूरी घटनाक्रम बताया कि कैसे वो आलिम के कांटेक्ट में आया, कैसे आलिम ने उसका बहनवास कराया। अब मैं आपको बता दूं कि आवेदन मिलने के बाद जो खंडवा पुलिस है वो पूरे इस पूरे मामले की जांच की जो है बात कर रही है। हालांकि अभी तक उस आलिम सामने नहीं आया है कि वो कौन आलिम था और किस तरीके से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, या क्या वही इस पूरे मामले को लेकर खंडवा के जो हिंदू संगठन के नेता है वो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि खंडवा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का जो धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा है आलिमों द्वारा, इनकी जांच होना चाहिए और इनसे उचित कार्रवाई होना चाहिए।